हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के साबुन के टुकड़ों को लेके। जब हम साबुन को यूज़ कर लेते हैं तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, तो आज इनका बहुत ही बढ़िया रीयूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए लें आप ग्रेटर, और ग्रेटर की मदद से हम क्या करेंगे, इन छोटे छोटे टुकड़ों को ग्रेट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद हमें चाहिए होगा फॉइल पेपर। फॉइल पेपर के हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे। टुकड़े बनाने के बाद ये जो हमने ग्रेड किया हुआ है साबुन, इसको हम इस तरीके से इसके अंदर डाल के छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो आप क्या करें, ये जो बॉल्स बनाई हुई है आपने क्या करना है, इन बॉल्स को आपने अपने जूतों के अंदर रख देना है। उससे पहले आपने लेनी है एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन लेकर आपने इसके अंदर छोटे छोटे होल बना देने हैं ताकि ये साबुन की सारी स्मेल जो है इसके अंदर से बाहर आती रहे। इसके बाद इन बॉल्स को हम डाल देंगे अपने जूतों के अंदर। इससे क्या होगा कि आपकी जो जूतों की बैड स्मेल है एकदम रिमूव हो जाएगी, और इन जूतों के अंदर साबुन की जो है भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है राखियों को लेके। दोस्तों, राखी तो खत्म हो गई है, लेकिन हमारे घर में इस तरीके से राखियाँ पड़ी रह जाती हैं, तो हमें समझ में नहीं आता इसका हम क्या यूज़ करें। तो इसका बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ले लिया एक राखी। अब हम क्या करेंगे, इस राखी के जो ये पीछे वाले हिस्से हैं इसको हम, ये जो बीड्स हैं इसको हम निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से इसके जो पीछे वाला हिस्सा है इसके भी बीड्स को हम निकाल लेंगे। और अब हम लेंगे एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन के अंदर हमने ये जो निकाले हैं बीड्स को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये देख सकते हैं कि हमारी सेफ्टी पिन देखने में कितनी सुंदर लग रही है। दोस्तों, अगर हम सेफ्टी पिन को डायरेक्ट अपने दुपट्टे या साड़ी में लगाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा दुपट्टा और जो साड़ी है वो सेफ्टी पिन के कारण छिज जाती है और उसके अंदर होल हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप अपनी सेफ्टी पिन के अंदर ये बीड्स को डाल देंगे, और इसके बाद जब आप अपनी किसी भी साड़ी या दुपट्टे में इसको लगाएंगे तो ये देखने में तो सुंदर लगेगा ही, और दूसरा जो है आपके साड़ी और दुपट्टे में बिल्कुल भी छेद नहीं होगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के पॉलीथीन को लेकर। दोस्तों, कई बार हमारे घर में इस तरीके के प्रिंट वाले बहुत सुंदर पॉलीथीन आते हैं जिनको कि हमारा फेंकने को दिल नहीं करता, तो आज इनका बहुत ही बढ़िया रिव्यू करने वाली हूँ कि आप इस तरीके के सुंदर प्रिंटेड पॉलीथीन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमें अपना कोई गिफ्ट है उसको रैप करना होता है, तो उसके लिए हम रैपिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो रैपिंग पेपर आपके पास ना हो तो आप इस तरीके के सुंदर प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप जिसको भी आपने रैप करना है उसको आप इसके अंदर इस तरीके से रख दें। ये देखिए हमारा कितना अच्छा गिफ्ट पैक रेडी हो गया है बिना किसी गिफ्ट रैपर के। तो जब भी आपके पास गिफ्ट रैपिंग पेपर ना हो तो आप प्रिंटेड पॉलीथीन है उसका इस्तेमाल आप गिफ्ट रैपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे दोनों काम हो गए, एक तो हमारे पैसे बचे गिफ्ट रैपर के, और दूसरा हमारे बेकार पड़े हुए पॉलीथीन का भी रीयूज़ हो गया। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप में। अगली टिप के लिए मैंने ले ली है एक बॉटल। आप कोई भी इस तरीके की प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हम किसी नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं, ये मैंने बोतल को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो कैप है इसके ऊपर भी हमें छोटे छोटे होल बना लेने हैं। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे इसके अंदर होल बना लिए हैं। अब हमें लेना है एक बैलून। बैलून लेने के बाद हम इसको ऊपर से कट कर देंगे, और ये जो बोतल कट करी थी इसके ऊपर हमने इस बैलून को इस तरीके से चढ़ा देना है। चलिए, अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है आपको मैं बताती हूँ। दोस्तों, कई बार हमारे सिंक के जो नल में बड़ी तेज़ प्रेशर से पानी आता है, जिसके कारण हमारे काफ़ी कपड़े भी गीले हो जाते हैं, और कई बार इतना ज़्यादा प्रेशर आता है वो एक ही तरफ गिरता है, जिसके कारण हमारे बर्तन भी अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होते। जब आप इस तरीके से अपने नल के ऊपर लगा देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पानी है बिल्कुल फव्वारे की तरह आएगा, बिल्कुल एक तरफ नहीं गिरेगा। और कई बार हमें सिंक को क्लीन भी करना पड़ता है, तो हमें बार बार हाथ में पानी लेकर सिंक को क्लीन करना पड़ता है। जब आप इसको लगाएंगे तो इसकी मदद से आप इसको चारों तरफ घुमाकर आसानी से अपने सिंक को भी क्लीन कर पाएंगे। अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है बहुत ही वायरल हैक, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से नेल पेंट की मदद से आप ढेरों रोटियाँ बना सकते हैं। चलिए आज इस हैक को भी हम ट्राई कर लेते हैं कि नेल पेंट से हम रोटियाँ बना सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हम लेंगे लकड़ी का चकला। दोस्तों, अक्सर जब भी हम लकड़ी के चकले के ऊपर रोटी बनाते हैं तो आपने देखा है कि ये वेट में काफ़ी हल्का होता है, और जब हम इसके ऊपर रोटियां बेलते हैं तो ये काफ़ी हिलता है, जिसके कारण हमें रोटी बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं नेल पेंट, और नेल पेंट को लेकर हम इसके चारों पाए पर लगा लेते हैं, और लगाने के बाद
हम इसके ऊपर रोटियां बनाएंगे तो हमारी रोटियां जो है बहुत अच्छी तरीके से बनेंगी और हमारा चकला बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो आपने देखा है कि मैंने ले लिया नेल पेंट और इसके तीनों पाई के ऊपर मैंने नेल पेंट को लगा दिया है और अब मेरी नेल पेंट सूख भी चुकी है। चलिए अब ट्राई करते हैं कि इसके बाद हमारी रोटियाँ बनती हैं कि नहीं। अब ये देखिए कि मैं इसके ऊपर रोटियाँ बना रही हूँ नेल पेंट लगाने से, लेकिन फिर भी मेरी रोटी इसके ऊपर बन नहीं पा रही है और मेरा चकला काफ़ी हिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये हैक बिल्कुल भी यूज़फुल हैक नहीं है, आप इस तरीके के हैक बिल्कुल भी ट्राई ना करें। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है बेडशीट को लेके। दोस्तों, जब भी हम बेडशीट बिछाते हैं तो आपने देखा है कुछ टाइम के बाद हमारी बेडशीट इस तरीके से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसके लिए हमें बार बार हाथ से इसको अंदर करना पड़ता है, जिसके कारण हमारे हाथों में काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाता है। तो आप क्या करें, आप हाथों से इसको अंदर ना करें, उसके लिए लें आप इस तरीके से कॉम्ब, और कॉम्ब लेने के बाद आपने लेना है एक मोजा, और कॉम्ब के ऊपर आपने मोजे को इस तरीके से पहना देना है। अब पहनाने के बाद ये जो आप बेडशीट है इसको आप अंदर करेंगे, बहुत ही आसानी से आपकी बेडशीट अंदर चले जाएगी, जिससे कि आपके हाथों में भी पेन नहीं होगा और आपकी बेडशीट भी बहुत ही अच्छी तरीके से टक हो जाएगी और आपका बेड भी बहुत ज़्यादा नीट क्लीन लगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की टिप्स, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।